जय आदिवासी, जय जोहार। मेरा नाम श्रीमती सीमा वास्कले, बड़वानी से। जय नारी शक्ति राष्ट्रीय प्रभारी। आज जिस प्रकार से प्रदेश में हमारी आदिवासी बहन बेटे के साथ में अन्याय, शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, उसको लेकर प्रदेश सरकार चुप्पी है। बड़ी बड़ी घटनाओं को अनदेखा कर रही है प्रदेश सरकार। इसे हम एक बहुत दुखद बात है कि प्रदेश सरकार आदिवासी बेटियों पर किसी भी प्रकार से न्याय के साथ नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं जाति भेद भावना हमें महसूस हो रहा है। जिस प्रकार नेमावर में घटना हुई, नीमच में घटना हुई, खरगोन जिले के बिस्टान में घटना हुई, हाट पिपलिया में हुई, इंदौर में, देवास में, अलग अलग प्रदेश में घटनाएं रोज बढ़ती जा रही है, तो प्रदेश सरकार चुप्पी क्यों? हम आदिवासी बेटियों के साथ इस प्रकार का सोतेला व्यवहार क्यों हो रहा है प्रदेश सरकार? और जय आदिवासी युवा संगठन निरंतर संघर्ष करके पीड़ितों को न्याय के लिए आंदोलन अलग अलग जिलों में करती जा रही है, और हमेशा संवैधानिक बात करके हमारे पीड़ितों के साथ न्याय की बात कर रही है। और इस प्रकार की घटनाएं अगर ऐसी बढ़ती है तो ये जन आंदोलन कभी कम नहीं होगा, और हमें हमारे समाज के लिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, शिवराज सिंह चौहान जी, अगर हमारी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको इस पद पर रहने का अधिकार भी नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ शिवराज सिंह चौहान जी से कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ घटना हो रही हो, उसके लिए आप निरंतर न्याय की और एक सुरक्षा प्रदान करें, नहीं तो इस प्रकार से बढ़ते अपराधों को नहीं रोक पाई आपकी सरकार, तो आप इस पद पे बैठने लायक नहीं हो। जय आदिवासी, जिंदाबाद।